आज मैं रोस्ट करने वाला कुछ ऐसे अमेजिंग से वीडियो जिसे देख के आपको ये मजा आ जाने वाला है। और एक और बात, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं Q&A वीडियो करने जा रहा हूं। मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, आप लोग कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे वीडियो फॉर्मेट पूछे तो आप लोग की वीडियोस को मैं अपने चैनल पे लूंगा। और वीडियो को लैंडस्केप मोड पे करके मुझे पूछना, मतलब फोन को लेटा के पूछना, तो आप लोग का सारे वीडियो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ईमेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहां पे भी आपको स्क्रीन पे भी कहीं भी ना कहीं दिख जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में कंफर्म मिलेगा। कमेंट में मैं पिंग कर दूंगा अपना ईमेल, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे भेज सकते हो। और यार फॉलो कर लो यार, क्या कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तुम लोग बढ़ा नहीं रहे हो यहाँ पे, इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए इंस्टाग्राम पे, बढ़ नहीं रहे। चलिए अपने वीडियो को सुनो। देवासी, पैसे कमाना सीखोगे? ₹1000 निकालो पहले। ये रहे मेरे ₹1000। अब ये 1500 तुम रखो और ये 2000 मेरे। इसके ₹500 तुमने भी कमाए और ₹500 मैंने भी कमाए। किसी ने सच ही कहा है, लड़कियों की अकल जो होती है वो घुटने में होती है। इसमें बंदा का तो 500 का प्रॉफिट हुआ, मान गए हम, बंदा ने ₹500 कमाया, लेकिन तूने कैसे कमाया भाई ₹500? मैंने पूरा लॉजिक लगा लिया, आइंस्टाइन को भी ऊपर से लेकर नीचे बुला लिया और न्यूटन को भी बुला लिया, उसका भी लॉ मैंने समझ लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उस तूने ₹500 कैसे कमाया। तेरे जब से उल्टा ₹500 गया यार, इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई के समय पढ़ाई कर लेती हो तुम। आज ये मेकअप ठोप के जो तुम इंस्टाग्राम का रील पे फेमस हो गई, और साले ऐसे छपड़ी लोग हैं जो तुमको फॉलो भी करके सके, यहाँ अच्छी वीडियो बना रहे हो, व्यूज ही नहीं आ रहा तुम लोगों का वीडियो पे, इतने सारे व्यूज आ रहे हैं। ज़्यादा ऑफेंड नहीं होता हूँ, लड़की को सीधा बात है, बेचारी स्कूल गई नहीं हुई है, स्कूल गई भी होती तो मैथ क्लास अटेंड तो की नहीं होगी। ब्यूटी के चक्कर में बोलते हैं ना, ब्यूटी होगा तो ब्रेन नहीं होगा, ब्रेन होगा तो ब्यूटी नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है। चलिए दूसरा वीडियो को देखते हैं। अब यार कोई हमसे भी ऐसी प्यार कर लो यार, हम भी वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। दीदी का तो खेल खत्म हो गया, टाटा बाय बाय दीदी, हम लौंडेला पार्टे, हम कहीं से भी गिरेंगे तो कुछ भी पकड़ के लटक जाएंगे। अब दीदी तो गई ऊपर, सीधा बात है, दीदी का तो पोपट हो गया, लौंडा तो बच गया, लौंडा भी 10 मिनट के लिए सोच में पड़ गया हुआ है कि बहनचोद ये हो क्या रहा है, मैं तो गिरा तो गिरा, इच्छा से कूदी क्यों, पहला बात ऊपर से लेकर नीचे तक, लॉजिक इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी दिया है ब्यूटी है तो ब्रेन नहीं है, सिंपल बात है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो जितनी भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही है मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, मैं रेडी हूँ, मैं सिंगल हूँ, आपको वेटिंग कर रहा हूँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे जल्दी फॉलो कर लेना। ये कौन है, मैंने इसे कहीं देखा है? यही तो लौंडिया बाज है। जब तुझसे फ्लैक्स नहीं हो रहा तो फिर फ्लैक्स कर क्यों रहा है भाई तू, जब तुझसे नहीं हो रहा सीधा भाई नॉर्मल जाके भी तो बात कर सकता था। जरूरी है साला हम Dhoom 4 का शूटिंग आज ही कर लेंगे, बाइक का एक चक्का उठा के जाके किस करेंगे बंदी को, फिल्म का शूटिंग चल रहा है। नहीं भोसड़ी वाले, यहाँ लड़की ना मिल रही है, ये लोग को मिल गई साले, नाजायज फायदा उठा रहे। अब ओ भाई ओ, कौन सा स्कूल है बे, हम लोग का समय स्कूल में साला ऐसे लड़की को देखने को जल्दी नसीब नहीं होता था, लड़की की क्लासरूम ही अलग होती थी। इवेंचुअली कौन सा स्कूल है बे, स्कूल में मान ली एक टाइम पर टीचर्स नहीं आए, तुमने प्रपोज कर दिया, साला किस भी कर रहे हैं या कहा बोले, साला कौन सा स्कूल है भोसड़ी के, मुझे दोबारा स्कूल पढ़ना है यार, मैं दोबारा जा रहा हूँ यार 10th का एग्जाम पढ़ाई करने, मुझे दोबारा जाना पड़ेगा लग रहा पढ़ने 10th 12th। साला कौन सा स्कूल है भाई, स्कूल का नाम जो कमेंट में कर देना, और जो भी लड़की या फिर लड़का देख रहा है मुझे इंस्टाग्राम फॉलो जरूर कर लेना यार, और मुझे वहाँ पर कमेंट करके बता देना। अब अच्छी यार ये सब बकचोदी देखने का मुझे महसूस होता है कि मैं साला सिंगल ही बहुत अच्छा हूँ यार। सॉरी इसमें उसके मुंह से पानी पी रही है यार लड़की, अब लड़की भी हद है, लड़का तो उससे ही बड़ा बदतमीज है यार, अब उसके मुंह से कुछ दाना निकाल के खा रहा है यार, हद है साला, एक दूसरे का मुंह पे थूक रहे हो यार तुम, पानी शर्म आ नहीं रहा भोसड़ी के, यहाँ लोग कह रहा है भाई हाइजीन मेंटेन करो, कोरोना चल रहा है, काफ़ी सारे बीमारियाँ चल रही है, लेकिन नहीं भोसड़ी के, हम तो साले एक दूसरे के मुंह के अंदर का पानी पियेंगे, हाइजीन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। मानते हैं किस करने पे कितनी सारी कैलोरीज कम होती है, इन भोसड़ी के ये करने का क्या जरूरत है तुम्हें बे, एक दूसरे के मुंह का पानी फेंकना एक दूसरे के ऊपर में, छी भोसड़ी के, तुम लोग से कुछ नहीं उम्मीद नहीं रखा जा सकता। इस सब बकचोदी से अच्छा मैं सिंगल हूँ यार, जो भी लड़की देख रही है यार इस वीडियो को, अगर ये सब बकचोदी करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज मत करना, अगर नॉर्मल वाले करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते। यार साले 4 साल के निब्बा निब्बी बच्चे के भी साली गर्लफ्रेंड है, मतलब बच्चा ही बैठ के अपनी खिड़की पे, किचन की खिड़की पे बैठ के लाइन मार रहा है यार, एक हम लोग की ज़िंदगी है, यहाँ एक बंदी पट के नाम मिल रही है, सोच रहा हूँ मैं बेस्ट फ्रेंड ही बन जाऊँ। आजकल बेस्ट फ्रेंड में भी काफ़ी सारे होप्स चल रहा है लड़कियों का बेस्ट फ्रेंड, अगर तुम में से कोई लड़की मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहती है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट करो यार, इन्हें इंस्टाग्राम पर पर्सनल DM करना,
वहाँ पर पर्सनल बात करेंगे, ठीक है? जो लड़की मुझे, अरे बीएफ मत बनाओ यार, बेस्ट फ्रेंड तो कम से कम बना लो, उसमें भी बहुत फायदा है। यहाँ साले किसी की बंदी पटके ना मिले, जिसके पास बंदी है साला ये सब हरकत कर रहा है। बताओ यार, हम लोग का कुछ इज्जत ही नहीं है लाइफ में। अब भाई क्या लोन बताओ, ये सब मस्ती करके अपना फील ले रहे हैं, क्या बोल सकते हैं इस बात पे हम। बाकी सब छोड़ो, आगे वीडियो देखो। अबे यार पहला बात, बंदी इतनी छोटी है, बंदा इतना लंबा, यार ये जरूर सरकारी नौकरी का कमाल होगा, वरना ऐसा तो कोई कॉम्बिनेशन मैंने आज तक देखा ही नहीं है। बंदी का कोई भाई ही नहीं है क्या यार, उसे कंधे पे उठा लो यार। कम से कम बंदी इतना चल रही, इतना एफर्ट दिखा रही है, तो तुम लोग भी थोड़ा साले एफर्ट दिखाओ यार। कुछ से कम से कम कुर्सी उर्सी ला के तो दे दो, या फिर कोई उसे गोदी में उठा लो यार, जयमाला करवा दो अच्छे से। ऐसा अच्छा लगता है क्या, कूद कूद के कर रही है शादी की? आप जी हाँ, खुश लग रहे हो, बड़े खुश लग रहे हो आप लोग। तो शादी के तो खुश नहीं रहेंगे। तो ये यार आपके एज देखो, इनके एज देखो यार, क्या लगते है तुम्हारे ये? मेरे ससुर। अरे ससुर है? ससुर की शादी की? क्यों, पति का क्या हुआ? तो मुझे समझ में नहीं यार आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है। यहाँ घोड़ों को नहीं मिल रही है घास, बुड्ढे खा रहे हैं च्यवनप्राश। यार तुम लोग को हो क्या गया, इतने अच्छे अच्छे लड़के तुम्हारे सामने हैं, कुछ मेरे जैसे भी हैं। चाहो तो मुझे आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं जान रहा हूँ मैं 50 बार बोल चुका हूँ, इनके आगे तुम लोग साले फॉलो ही नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, इसलिए बोलना पड़ रहा है। हाय राम, क्या चल रहा है ज़माने में, कोई मुझे समझाएगा यार। सब लड़कियों को बुड्ढे क्यों पसंद आ रहे हैं यार, हम लोग में क्या खराबी है? बुड्ढा 4 दिन का टपक जाएगा, हम लोग तो साले लाइफ टाइम चलने वाले हैं। मणिया साबुन लोगों को पसंद नहीं आता, घटिया कपड़ा धोने का साबुन लगा के नहा रहे। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पा, अभी मैं क्या समझता? कुछ हमारे बड़े बुजुर्गों ने कह के गए हैं कि लड़की को समझना नामुमकिन है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने एक क्लिप चला रहा हूँ, उसे देख लेना और समझ लेना मैं तो शरीफ हूँ। जान ले लो मेरी और जान ले लो मेरी, दोनों में बहुत फर्क है। देखो मैं तो हो गया हूँ शरीफ, इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आया इस दोनों बात का मतलब। अगर आपको समझ में आ रहा प्लीज़ मुझे कमेंट में समझा देना। अपना फेस रिवील कर दूंगा, अगर इस वीडियो पे 2000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा। फेस के साथ, फेस कैम के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, सारी रोस्टिंग फेस कैम के साथ करने वाला हूं। और मैं Q&A वीडियो करने वाला हूं, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और ईमेल में मुझे वीडियो बना के जरूर दे देना, मैं दोनों को ही लेने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।